सावधान, बिना ओटीपी के खाते से उड़े 1,11,000 रुपए। साइबर ठगी का नया तरीका, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले में साइबर ठगों का नया कारनामा सामने आया। ये कारनामा ऐसा है कि आप उसके बारे में जानकर चौंक जाएंगे। शातिर साइबर ठगों ने बिना किसी ओटीपी नंबर के खाते से लाखों रुपए उजाड़ लिए। शातिरों के इस कारनामे से पुलिस भी हैरान है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फोन कर दी खाता बंद होने की जानकारी। जानकारी के मुताबिक कैलाश नारायण पुत्र हल्दुराम कुशवाहा निवासी ग्राम चार जिला शिवपुरी ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को शिकायत कराते हुए बताया कि 28 फरवरी 2024 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच उसे एक अनजान मोबाइल नंबर से फोन आया 7363011864 से फोन आया और बोला कि तुम्हारा खाता बंद होने वाला है, आप अपनी जानकारी दे दो। तो मैंने कहा कि खाता बंद होता है तो होने दो, मैं सुबह बैंक जाकर देख लूंगा। फिर मैंने फोन काट दिया और उसके बाद मेरे मोबाइल पर 4 से 5 ओटीपी आई जिन्हें मैंने मोबाइल से डिलीट कर दिया। फिर रात्रि लगभग 11 से 12 बजे के बीच में मेरे करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में 1,11,000 की राशि ट्रांसफर की गई। फिर सेविंग अकाउंट से युक्त राशि को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया गया। इस प्रकार साइबर ठगों द्वारा उनके साथ 1,11,000 की ठगी की गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत बैंक मैनेजर समेत पुलिस स्टेशन में करा दी। क्या नाम है आपका? कैलाश नारायण कुशवाहा। क्या करते हो आप? क्यूएक्स सेंटर चलाते हैं। कहीं में? पंजाब नेशनल बैंक न्यू ब्लॉक ब्रांच। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? सर मेरे खाते से 28 तारीख को 1,11,000 रुपये फ्रॉड हो गया और मेरे बच्चे के खाते 3333 रुपये। कैसे हुआ सर? एक फोन आया था मेरी कॉल, तो हमने कॉल पर उसको बताया नहीं, ओटीपी वगैरह कुछ भी नहीं दिया सर। उसके बाद ही मेरे पास मोबाइल हैक कर लिया। क्या हो गया उससे पैसे निकल गए। तो आपको कब मालूम चला ये मोबाइल? सुबह से उठा था, अगर मैं देखा मैंने मोबाइल पर मैसेज देखा। तो इसके बारे में बैंक मैनेजर से बात की थी आपने? बैंक मैनेजर से बात कर ली, उसकी कार्रवाई चल रही है, थाने पर भी रिपोर्ट करा दी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से? आई एस पी साहब से मिले? एस पी साहब के पास गया था सर, मंगलवार को नहीं मिल पाएंगे, थाने पर कार्रवाई चल रही है, चल रही है, सोमवार मंगल को आ जाएंगे। क्या चाहते हो फिर आप? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे लौट आए। तो आपके अगर धोखाधड़ी कैसे हुई, कौन थे वो लोग, आपने कुछ पता किया? सर उनके कॉल आया, उस कॉल के बाद अब अभी उसका कॉल लग रहा है, उसका कॉल को कुछ कर। जब आपके पास कॉल आया था क्या बात हुई थी आपकी? मुझे आपका फोन बंद, वो मोबाइल, वो खाता बंद हो गया है, तो आप उसकी डिटेल दे। मैंने खाता में उसको डेली देख चला रहा हूँ, खाता क्या बंद, मैं तो बैंक जाके बंद करवा लूँगा, चालू बंद हो गया। उसके बाद मैंने कॉल काट दी, उसके बाद फिर कॉल लगाया उसने, अरे आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे, इस फोन को बंद कर लो। मैंने कहीं बंद होगा तो वह मेरा तो हो जाएगा खाता, मैं वहीं जाकर बंद करा चालू करा लूँगा। उसके बाद मैं सो गया सर, मैंने पैसे सुबह देखा तो मेरे पैसे कट गए। बैंक के बारे में मैनेजर क्या कहता है इस बारे में? मैनेजर साहब कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे रूप से बात होगी सब। कहाँ से आता वो कॉल? कॉल तो सर वो पता नहीं कहाँ से आया, उसका नंबर मैंने उनको दे दिया, ये नंबर। मतलब आपने उनसे पिन से पूछा नहीं कहाँ से बोल रहा है, कौन था? वो बोल रहे हैं टोलपुरी नंबर से पंजाब में। मैंने कही रात को 10 बजे फोन टोलपुरी वाला नंबर लगाता है, रात के 10 बजे फोन टोलपुरी वाला लगाएगा, सुबह हम जाके बैंक से जाके बात कर लेंगे।